जाता है। ये बात बहुत ही खराब लगने वाली है, लेकिन मुझे कहने में कतई कोई अफसोस नहीं होने वाला है। यदि हम सेक्स या लस्ट के दायरे में पुरुष और स्त्री को किसी बराबर के तराजू पर रख देंगे तो शायद 80% पुरुष वैश्याओं की तरह नजर आएंगे, क्योंकि जो मॉरलिटी के पर्दे में खड़े होकर के वो जितने भी कृत्य करते हैं वो यदि किसी स्त्री के संदर्भ में खोल दिया जाए तो उनके पास पहला स्टेटमेंट होता है, ये बदचलन है, दुराचारिणी है। जरा सोचो कि तुम सड़क से चल रहे हो और एक लड़की तुम्हें आंख मारते हुए निकल जाती है, तुम्हारा पहला होगा, जो पहला स्टेटमेंट तुम्हारे जहन में और तुम्हारी मॉरलिटी चिल्ला के जो तुम्हारे भीतर बोलेगी वो यही बोलेगी, अरे चालू माल थी। लेकिन तुम कई लड़कियों को आंख मार के घर लौटे हो और तुम अभी तक पवित्र हो, भगवान राम का अगला अवतार हो। ये जो दंभ है तुम्हारे भीतर का, ये जो अहंकार है तुम्हारे भीतर का, तुम अपनी बहन को अगर तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे परम प्रिय मित्र के साथ भी जरा उसके प्रेम बढ़ने लग गया है तो शायद तुम मित्र को दरकिनार कर दोगे। बहन को तो बहुत लोग काट वाट भी देते हैं, जहर वहर भी खिला देते हैं। लेकिन तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हें पता लगता है कि इसकी 10 12 15 गर्लफ्रेंड है तो बड़े शान से तुम बताते हो, अरे मेरा भाई उसको तो 15-20 पटा करके रखा हुआ है उसने, क्यों नहीं अपनी बहन के बारे में बताया। सोचो कि मार्लिन तुम्हारी बहन जैसी हो या तुम्हारी बहन मार्लिन जैसी हो जाए, फिर ये व्याख्यान कैसे लगेंगे। ये समस्या है, ये जो दोगलापन है हमारे भीतर बुरी तरह से बसा हुआ, खासतौर पर पुरुष समाज के अंदर। मैरलिन इससे विद्रोह करती है, रिवोल्ट करती है, मैरलिन इसके खिलाफ है। लेकिन मैरलिन से 2500 साल पहले बुद्ध भी इससे विद्रोह कर देता है, इसलिए बुद्ध के नजदीक वैश्या के पास चरित्र है। बुद्ध कहता है कि वैश्या में चरित्र देखना हो तो वैश्या में देखो। भगवती चरण वर्मा ने एक नॉवेल लिखा, चित्रलेखा, और उसमें इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जाओ और जाकर के तुम, कथा का हिस्सा है कि एक जिज्ञासु जब प्रश्न पूछता है अपने गुरु से कि मैं सत्य पाप और पुण्य का भेद जानना चाहता हूं, तो गुरु कहता है जाओ और जाकर बीजगुप्त के साथ रहो, वो सामंत बड़ा अय्याश है। और जब वो बीजगुप्त के पास जाता है तो बीजगुप्त कहता है जाओ चित्रलेखा के पास जाओ, वो सबसे बड़ी नगर वधु वैश्या वही बताएगी। वो कहता है वैश्या कैसे बता सकती है, और वो वैश्या कहती है कि मैं बता सकती हूं। क्यों कहती है कि मैं बता सकती हूं? अभी शुभंकर जी ने रजनीश का नाम लिया, रजनीश ने एक बात कही, रजनीश ने कहा कि जब तुम अपने काम वासना के शिखर पे पहुंच जाते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। लेकिन वो शिखर मिलेगा किसे? निश्चित रूप से वो शिखर आम्बपाली के पास होगा, वसंत सेना के पास होगा, पासोदत्ता के पास होगा, या मैरलिन मनरो के पास होगा। वो कतई नहीं मिल सकता है सीता के पास, सावित्री के पास, इत्यादि 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 के पास। इसलिए बुद्ध कहता है कि नारियों का प्रवेश वर्जित है। वो ऐसी नारियों का प्रवेश नहीं चाहते थे जो सीता और सावित्री के आवरण में बैठी हैं। लोहिया ने एक बात कही थी कि इस समाज में नारी के पतन का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वो स्वयं वो नारियां हैं जो अपने को सभ्य और सुसंस्कृत कहती हैं। क्योंकि यदि कोई नारी किसी अन्य पुरुष के साथ देख ली गई तो सबसे पहले दूसरी नारियां ही मिलकर के उसके खिलाफ होती हैं और एक षड्यंत्र रचती हैं और उसके खिलाफ प्रलाप शुरू करती हैं कि ये व्यभिचारिणी औरत है। क्यों? लोहिया ये नहीं बता रहे हैं क्यों, पर बुद्ध समझ रहा है, मैरलिन भी समझ रही है। हम सबकी जो अतृप्तताएं हैं, हम सबकी जो प्यास है, वही हमारी शत्रु है, वही हमें एक दूसरे का शत्रु बनाती है। खलील जिब्रान ने कभी कहा था कि निर्धन व्यक्ति का सुख है एक धनवान को गाली देना। यदि एक धनवान को दिन भर में जम के गाली दे दिया एक गरीब आदमी ने तो उसे बड़ा आनंद मिलेगा, वो रात अच्छे से काट लेगा। ठीक, इसको आगे बढ़ा दो तो जो तथाकथित ब्रह्मचारी होंगे उनका क्या सुख होगा? लंपटों में सबसे अधिक नजर उनकी लंपटों में होती है। लंपट को क्या है? लंपट ने कभी पूछा आसाराम बापू का दरवाजा किधर है? नहीं पूछा। पर आसाराम बापू ने सारे लंपट इकट्ठा किए,
उसकी रुचि है लंपटों में, क्यों? क्योंकि वो उसकी लस्ट है, वो उसकी वासना है, वो उसका सेपरेट, वो दबाया हुआ, दबा कुचला जो उसकी इच्छाएं हैं वो वहीं पे दबी हुई है, बंद है, उसको चाहिए। स्त्री है वो जो सुसंस्कृत स्त्री है, उसकी समस्या है, उसके सपने में आ रहा है रणबीर कपूर, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, दिस दैट देवानंद, पता नहीं कौन कौन, लेकिन उसे झेलना जिस आदमी को है उसकी शक्ल प्रेम चोपड़ा से भी बदतर है, उसकी शक्ल कई बार मुकरी से भी बदतर होती है। मैंने कई ऐसी स्त्री जोड़े देखे और अक्सर ऐसे जोड़े देखे हैं जिसमें बेचारी महिला तो मधुबाला है और जो उसका पति ओम प्रकाश निकला हुआ है, अब वो क्या करेगी? परंतु अब संस्कृति का दायरा है, उसको बर्दाश्त करना है। एक सड़ा हुआ बूढ़ा आदमी एक 18 साल की महिला को खरीद करके ले आता है लड़की को और रख सकता है क्योंकि पुरुष है, ऐसा कर सकता है। प्रेमचंद ने बड़ी छाती पीटी तो उससे क्या है, समाज को क्या फर्क पड़ता है? क्या एक निर्मला होके खत्म हो गई? क्या हजारों निर्मलाएं? हो सकता है कि अब निर्मला चूल्हे के ऊपर फूंक नहीं रही होगी, अब किसी इटालियन किचन के अंदर खड़ी होगी, लेकिन खड़ी तो है। और मैरिलिन को इससे नफरत थी, मैरिलिन एक ऐसी औरत बनने में कोई रुचि नहीं रखती थी जो पुरुषों के सामने झुकी रहे, जो पुरुषों की सेविका कहलाए, जिसका स्वर्ग उसके पति के चरणों में हो। बिमल मित्र ने इसका विरोध किया ना, साहब बीबी गुलाम जब बनाई गुरुदत्त ने तो इसी बात को दर्शाने के उद्देश्य से बनाया था, क्या फर्क पड़ता है इससे? मगर बुद्ध के जमाने में यदि मैरिलिन मनरो पहुंच जाती तो उसे एक फायदा यह मिल जाता कि कम से कम उसको गरिमा मिलती जो गरिमा आम्बपाली को मिल गई, जो वासवदत्ता को मिल गई, निसंदेह मिल जाती। क्योंकि बुद्ध पाप पर पश्चाताप नहीं देखता था, बुद्ध पाप को स्वभाव की तरह स्वीकार करने की ताकत रखता था। यह बुद्ध और ईसा के बीच का फर्क है। ईसा इस बात को कहता है, ठीक है तुम इस वेश्या को मारना, मैरी मैग्डलिन पे पत्थर उठ रहे हैं। ईसा पहुंचता है, ईसा पहुंचकर कहता है तुम इसे पत्थर मार सकते हो, लेकिन वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। बड़ी अच्छी बात है, सारे पत्थर हाथ से गिर जाते हैं, लेकिन एक बात जो बड़ी गहरी होती है वो ये होती है कि पाप अंततोगत्वा पाप ही रह जाता है। ये समस्या है, गांधी की मुश्किल थी। गांधी ईसा से बड़ा प्रभावित था। अब जरा सोचो कि गांधी अपने सत्य के प्रयोग में बड़ा बड़ा बहुचर्चित है। गांधी चरित्र की परिभाषा है, हैरत अंगेज तरीके से। गांधी अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग करने के लिए कई नौजवान स्त्रियों के साथ नग्न सोता है, नग्न अर्धनग्न जैसे कह लो, अर्धनग्न तो हमेशा ही रहता था, सोता है और सत्य के प्रयोग करता है। जरा सोचो कि तुम्हें पता लग जाए कोई एक महाविदुषी महिला किसी काल की ऐसा ही कर रही थी, तमाम नौजवान पुरुषों के साथ वो नग्न सो करके अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर, कोई गांधी से जरा बुला करके पूछे वो क्या करते हैं, वो उंगलियां लगा करके जो बुलाते हैं आत्माओं को, कुछ उसको कहते हैं, मैं इसको भूल रहा हूं, यस प्लैंचेट करके उसे बुलाए और जरा पूछे कि उन स्त्रियों से पूछा था उसने, क्या वो उसके इस महान प्रयोग में उसका हिस्सा बनना चाहती हैं? नहीं, स्त्री से पूछा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि स्त्री तो वस्तु है, चीज है, घोषित रूप से चीज है। तो ये बड़ी मुश्किल थी। गांधी करता है, आप स्वीकार कर लेते हो, लेकिन यदि ये किसी महिला के, तुम्हें मैरिलिन के साथ सुनाई पड़ता है, क्या पता वो भी अपने ब्रह्मचर्य पर प्रयोग करती रहती हो हर एक पुरुष के साथ, लेकिन ये तुम्हारे लिए स्वीकारोक्ति नहीं होगी, तुम कहोगे नहीं नहीं। पर मैं गांधी की मुश्किल बता रहा हूं। गांधी ने कहा कि पाप से घृणा करो, पाप क्यों है, क्या पाप पहले डिफाइन तो कर दो, घृणा तो बाद की चीज है। गालिब इसी में तो फंसता है, गालिब कहता है तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता, मगर ईसाइत कहती कि ईसा ने लास्ट सफर के वक्त कहा, लो ये वाइन नहीं मेरा खून है। काश कि वो ईसाई होता, यहूदी होता तो वली होता ना। पाप की व्याख्या तो करो, मुसलमान के लिए अलग पाप है, हिंदू के लिए अलग पाप है। मुसलमान यदि ये सोच भी लेता है कि नहीं विश्वनाथ जी भी अल्लाह हो सकते हैं तो शिर्क खारिज,
और हिंदू यदि यह सोच लेता है कि क्या पता विश्वनाथ जी भगवान है भी कि नहीं, तो खारिज। अब यह तो किसी को नहीं पता कि वो जो है वो विश्वनाथ कहलाएगा कि वो अल्लाह कहलाएगा, उसकी रुचि किसमें है। लेकिन ये हमारा सिलेक्शन है, हमारा चुनाव है। और एक अच्छी बात आपने कह दी कि चूंकि सब कुछ पुरुषों ने तैयार किया है इसलिए खुदा भी पुरुष है, गलती से। बड़ा बड़ा मजेदार है वो, एक धर्मत्रयी है दुनिया में बड़ा चर्चित है, यहूदी धर्म फिर ईसाइयत फिर इस्लाम, बड़े अच्छे से झुकता है। यहूदी कहते हैं कि शैतान, शैतान की बेटी हव्वा, इसने आदम को बहका दिया और इडेन गार्डन से बाहर निकलवा दिया। थोड़े से हैं। ईसाई आते हैं, वो कहते नहीं नहीं, वो शैतान की बेटी नहीं थी, शैतान उसके पास आकर के उसको वरगला देता है और फिर वो निकाला, लेकिन वरगलाता है हव्वा को ही और वो निकाल दी जाती है। शापित है, एक बच्चा पैदा करने के लिए शापित है वो। इस्लाम आता है, थोड़ा और पोलाइट हो जाता है, वो कहता है कि साहब आदम को दोस्त की जरूरत थी, सो पसली की हड्डी निकाल करके, रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं निकाल ली, औरत और रीढ़ की हड्डी हो जाए ये बर्दाश्त कर सकता है पुरुष, पसली की हो सकती है, दिल विल को संभाल के किसी तरह रखे और टूट भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रीढ़ टूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। और ये दुनिया के व्यापक धर्म है, गहरा प्रभाव पड़ा, सबकी अपनी ब्यूटी है, सबकी अपनी समस्या है, स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हें कि धर्म और मजहब एक भौगोलिक सीमा और एक सामाजिक सीमा के अंतर्गत उभरते गए हैं, उनका एक अपना इतिहास रहा है। और याद रखना, समय बीतने के साथ प्रत्येक धर्म उसी तरह से विकृत हो जाता है जैसे कोई दूसरी व्यवस्था विकृत हो जाती है। लेकिन हम रिजिड हैं, हम जिद में हैं, हम नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैरलिन की मुश्किल यह है, कभी नूरजहां मलिका तरन्नुम नूरजहां ने कहा था कि काश मैं भारत में होती। भारत में होने का मतलब होता है अगर तुम एक फनकार हो, तुम एक गायक हो, गायिका हो, तो तुम देवी या देवता बन जाते हो जैसे कि लता मंगेशकर है। लेकिन मैं एक ऐसे देश में हूं, एक ऐसे समाज में हूं जहां अभी भी हकारत की नजर से देखा जाता है किसी गुलूकारा को। क्यों इसमें खुश मत हो जाए अगर कोई जनसंघी यहां बैठे हुए हो तो, क्योंकि ये उनका राष्ट्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भारत कतई ही वैसा राष्ट्र नहीं है जैसा वो समझते हैं। पहली बात तो भारत राष्ट्र है ही नहीं, ये पहले समझ लें सारे राष्ट्रवादी बढ़िया तरीके से। भारत एक अवधारणा है, एक फिलोसफी है, एक दर्शन है, एक विचार है, और एक अकेला ऐसा दर्शन है जो यूनिवर्सल होने की ताकत रखता है। पूरा विश्व भारत हो जाता है, पूरा विश्व भारत है। पुराणों ने जब भी बात की तो त्रैलोक्य की बात की, उसने धरती की भी बात नहीं की, उसने धरती आकाश और पाताल तीनों की बात की। ये क्षेत्रीयता तुम्हारे पास हो सकती है, भारत के पास नहीं है। और अगर तुम उस क्षेत्रीयता के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो तुम उतने ही खराब हो जितने वो दूर बैठे दूसरे लोग जिन्हें तुम तालिबानी होने का टप्पा लगाते हो। तुम्हारे थोपे कानून को पूरा समाज मानेगा? क्यों मानेगा? नहीं मान सकता है। भारत की सारी खूबसूरती इसमें है कि उसके पास कोई कानून नहीं रहा। कानून बनता है पर्शिया में, भारत नहीं बनाता है। स्मृतियां हैं, मनु की एक स्मृति है, याज्ञवल्लभ की स्मृति है, स्मृतियां हैं, कानून नहीं है, विधि नहीं है, इतिहास नहीं हमने लिखना पसंद किया क्योंकि इतिहास से भी विधि तैयार हो जाती है, इसलिए हमने इतिहास से परहेज किया। बाहर से आने वाले लोग ये नहीं समझते थे कि हमने इतिहास से क्यों परहेज किया है। बाहर से आने वाले लोग कहते थे कि ये बेवकूफ लोग अपना इतिहास भी नहीं लिखते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया, अभी एक नई रिसर्च जो ह्यूमैनिटी पर हो रही है उसमें इस बात को माना जा रहा है कि इतिहास ने मनुष्यता का ज्यादा नुकसान किया है। इतिहास की पढ़ाई ने हमें बहुत तकलीफ दी है। हम अगर इतिहास नहीं पढ़ते तो शायद ज्यादा अच्छे मनुष्य पैदा कर पाते। देखो तुम्हारे पास क्या है वो दिख जाता है।